अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं काजिम और आप देख रहे हैं काजिम व्लॉग यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो अब्बास भी बीच में आ रहा है जी, आज के मेरी वीडियो बनाए। लैला भी आ गई है, मसूमा देख लें वहां पर भाग गई है। वो कहती है जी मैंने वीडियो नहीं बनानी क्योंकि मसूमा की आज जरा थोड़ी सी ना क्लास हो गई है। मसूमा को बहुत काम करना पड़ गया है, आज मसूमा ने लगाई हैं तपड़िए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुजुमा कैसे जो है ना वो टपरी लगा रही है। तो चले चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मुजुमा कैसे टपरियां लगा रही है। करते हैं आज का व्लॉग, आइए फ्रेंड। फ्रेंड ये देखें, मुजुमा जो है वो टपरी लगा रही है क्योंकि अब्बास ने सारा पानी गिरा दिया है। उसने दो बार पानी गिराया है पापा। दो बार गिराया मुजुमा। ये देखें जी फ्रेंड, मसूमा को जो है इस टाइम रोना पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा कि उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो आज वो उसका कहना था कि भी सबसे मुश्किल काम है जो है वो तपड़ी लगाना। वैसे जैसे कि मतलब ये ऐसे कह रही है जैसे ये बहुत काम करती है, काम ये टके का भी नहीं करती लेकिन मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। ये देखें ज़रा, ये मसूमा, ये देखें मसूमा मोटी होती जा रही है और उसके बावजूद जो है काम कोई भी नहीं करती। आज इसको करना पड़ रहा है तो रोना पड़ा हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है मसूमा आपकी। अंदर आके बात करो ना, इतनी दूर से हमें आवाज नहीं आ रही। मसूमा जरा इधर आओ, पता लगे कि क्या बात कर रही हो आप। लो देखा ना, ये मेरे फ्रेंड आपको बताया, ये मोटी जो है ना वो थक जाती है बड़ी जल्दी और लैला तो माशाल्लाह जो है ना दंदो, ये देखे बिल्कुल भी कई काम नहीं, बस सिर्फ शरारतें और शरारतें और बस शरारतें। और ये सिर्फ, और उसके बाद इसने आवाज का फीडर खींच के बस पीना होता है, उसके अलावा इसको कुछ भी नहीं आता। बहुत बुरी शक्लें बना रही हैं लैला आप। वैसे लैला आप भी बताएं कुछ। हाय इस्लामाबाद में आए हुए हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। ये असनैन शाह जी मेरे साथ हैं, ये हमें ले कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं जी यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है तो है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आज खाना खाने के लिए। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि, और असनैन शाह जी आपको पूरी तफसील देंगे इसका, कहाँ से है, कैसे आते हैं, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है उन्होंने बताया है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन असनैन शाह जी जो हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पर आते जाते रहते हैं। शाह जी आपको बताते हैं बाकी यहाँ की पूरी डिटेल। और जैसा कि मैं आपको ये दुकान का दिखा दूँ, इसका नाम है, ये देखें, हाजी खालत टिक्का शॉप वाले हैं ये, यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो ये असनैन शाह जी हैं, आप इनसे बात करें, आप ये आपको बताएंगे टोटल। जी असनैन शाह जी, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? ठीक हो काजिम शाह जी आप भी? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असनैन भाई ये कैसा क्या नाम लेते हैं है यहाँ पर, जहाँ पर हमें आप लेकर आए हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट? इसका जो जायका बहुत उम्दा और लजीज है। ठीक है, मुझे तकरीबन आज 15 साल हो गए इनके पास आते बारबेक्यू खाने के लिए। ठीक है, जो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और जो इनके साथ लाल मिर्च वो देते हैं ना वो बारबेक्यू का खाने का अपना ही मजा है। वो कोई मतलब इसके साथ सॉस वगैरह है? इसकी सॉस है इसकी। ठीक है, बहुत ही अच्छी सॉस है, मिर्च भी बहुत लगती है। तो सैम भाई ये कौन सी जगह पे, मतलब समनाबाद में हम किस जगह पे मौजूद हैं? ये समनाबाद आप दूसरे गोल चक्कर से अंदर एंटर होंगे ना जी, यहाँ पे आता है मस्जिद हिजरा। मस्जिद हिजरा, मस्जिद हिजरा वो देखिए सामने जो है मस्जिद हिजरा, ये देख सकते हैं आप इसका। गाइस आपको इसका गुंबद नजर आ रहा होगा ऊपर से छोटा सा, तो मस्जिद हिजरा के बिल्कुल अपोजिट में ये है। इसके साथ आगे देखिए डूंगी ग्राउंड है, ये डोंगी ग्राउंड, ये पीछे क्या नाम लेते हैं आपको नज़र आ रही होगी फ्रेंड, क्योंकि अभी रात है थोड़ा सा मतलब अंधेरा है इस वजह से। बाकी इनका नाम हाजी खालिद बुक मतलब टिक्का शॉप वाले हैं ये, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और भी बहुत सी दुकानें हैं पर इनका जायका जो है मैं शुरू से इनसे खा रहा हूँ। ठीक है, और आप आज आपको भी टेस्ट करवाते हैं, आप चेक करके बताएँ कैसा इनका। जी जी मैं ज़रूर। तो जी फ्रेंड ये थे असनैन भाई, मेरे कज़न हैं चाचू के बेटे, और अभी जो हैं हम मतलब इधर मौजूद हैं तो कुछ देर बैठेंगे। अभी ऑर्डर दिया हुआ है, थोड़ी देर तक ऑर्डर आ जाएगा हमारा, तो फिर आपको दिखाते हैं और सॉस भी दिखाते हैं और जायका टेस्ट करके भी बताते हैं कि कैसा है।
यहाँ की मशहूर शॉप है ये, तो आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और खा के देखें, आपको भी मज़ा आएगा। फ्रेंड ये देखें, ये बारबेक्यू आ गया है, इसके साथ ये इसकी रेड सॉस है और ये रायता है, और ये अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं इसका कि इसका कैसा टेस्ट है। तो ये हैं भाई, ये पकड़े एक मिनट, रेड सॉस से नहीं, रेड सॉस से, रेड सॉस से ज़्यादा मिर्चों वाली ना हो यार। नहीं नहीं, बहुत उम्दा, कमाल का टेस्ट है, पहले खा, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट है, इनका रायता भी, और ये जो सॉस है वो वाकई ही बहुत ही मज़े की है। स्नैन भाई ने जो कहा था वो वाकई वैसा ही है, भाई खा रहे हैं जी स्नैन भाई, बाकी में टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा है मुझे भी इसका। तो फ्रेंड आप यहाँ पर आएँ, ज़रूर इसको विज़िट करें और यहाँ पर खाना खाएँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अभी हम ज़रा खाना खा लें, तो जिस जिसने खाना है वो वैसे आ सकता है। फ्रेंड मैं अभी घर पहुंच गया हूं, अभी आया हूं घर में, तो ज़रा थक गया था, अभी आके लेट गया हूं। तो बाकी ये है कि भी बहुत ही मज़े का टेस्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही मज़े की उनकी सॉस थी। और ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करें। और अब्बास क्या कर रहे हो आप, ये देखिए अब्बास, अब्बास क्या कर रहे हो, कौन है जी, लाला भी आ गई है, ये देखें।